हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसअप विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज का वीडियो जो है मिंत्रा हॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में ना मैं कुछ आपसे फेस्टिव अप्रोप्रिएट्स, दिवाली अप्रोप्रिएट, करवा चौथ स्पेशल कुर्ता सेट जो है शेयर करने वाली हूँ। इन सबके लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी dressup.preet। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट कुर्ता सेट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैंने लिया है ये बहुत ही प्यारे से लाइट पिंक शेड के अंदर। लाइट पिंक और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन का कुर्ता सेट है ये, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। मतलब इस पूरे हॉल के अंदर ना वन ऑफ द बेस्ट कुर्ता सेट आप इसको बोल सकते हो जो ये है। और मैंने मिंत्रा से वन ऑफ द बेस्ट कुर्ता सेट जो ये ऑर्डर किया है। इस तरीके का ये कुर्ता है, चिनॉन सिल्क जो होती है ना वो वाला फैब्रिक है इसका। पूरे कुर्ते पे ना इस तरीके से आगे धागे की और जरी की जो है एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। गोल्डन कलर नहीं है ये, सिल्वर टोन वाला जो गोल्डन होता है ना, थोड़ा लाइट गोल्डन होता है वो कलर है। इस तरीके से पूरे के ऊपर गले पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पे स्लीव्स पे ऐसे यहाँ एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है ये। इसके पूरे फ्रंट के ऊपर भी जो है ना इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। नीचे घेरे पे ऐसे लेस लगी हुई है। अंदर जो है इसके लाइनिंग अस्तर भी दिया गया है आपको। ये है इसका फ्रंट। बैक जो है, बैक के ऊपर भी इसके एम्ब्रॉयडरी है पूरे पे इस तरीके से। बैक के गले पे भी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन भी दे रखा है। अगेन पूरे बैक पे भी इसके एम्ब्रॉयडरी है। कलियों वाला कुर्ता है ये, ए लाइन के अंदर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट एंड एलिगेंट क्वालिटी वाला है, चिनॉन सिल्क फैब्रिक के अंदर। बॉटम जो है इसका इस तरीके का हाफ इलास्टिकेटेड है। अंदर भी इसके पूरे पे अस्तर लगा हुआ है, बॉटम के भी इस तरीके से स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं। पैंट्स पे ऐसे लाइनिंग दी गई है, पॉकेट की डिटेल दी गई है। दुपट्टा जो है ना इसके साथ कंट्रास्ट शेड में लाइट ब्लू शेड का आया है दुपट्टा। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका भी। दुपट्टे के ऊपर भी जो है ना इस तरीके से बूटी वर्क दिया हुआ है, बूटियाँ बनी हुई हैं पूरे के ऊपर। और यहाँ पे किरण लेस जो होती है ना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, उस तरीके की जो है लेस की डिटेल दी गई है। मतलब कैमरे पे आई डोंट थिंक सो कि जस्टिफाई कर रहा होगा ये कुर्ता सेट आपको देखने में, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिसेंट एलिगेंट लगा है ये। इसको आप करवा चौथ पे पहन सकते हो, दिवाली पे पहन सकते हो, फेस्टिवल्स का टाइम है, वेडिंग्स के अंदर पहन सकते हैं। वेडिंग अप्रोप्रिएट कुर्ता सेट है, बहुत प्यारा कुर्ता सेट लिया मैंने इस बार ये। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है अगेन मैंने पिंक शेड, फ्यूशिया पिंक शेड के अंदर लिया है। देखते हैं किस तरीके का ये है। पूरे पे जो है ना गोटा पत्ती की डिटेल की जो है एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर। फ्रंट पे गला इस तरीके से है, गले के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है पूरी। पूरे इसके फ्रंट पे इस तरीके से जो है एम्ब्रॉयडरी दी गई है। बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। इसके अंदर जो है ना अगेन अस्तर दिया हुआ है, पूरे पे अस्तर भी दे रखा है, मतलब लाइनिंग दे रखी है आपको, चुभेगा नहीं पहना हुआ। 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे इस तरीके से अगेन गोटा पट्टी की डिटेल है। फ्रंट से ऐसा है ये, पीछे से इस तरीके का है। अगेन दिवाली पे पहन सकते हैं, वेडिंग सीजन में पहन सकते हैं, करवा चौथ पे पहन सकते हैं, सब पे चलेगा। पैंट्स जो है हाफ इलास्टिकेटेड पैंट्स हैं इस तरीके की। और पैंट्स के नीचे भी इनफैक्ट जो है आपको गोटा पट्टी की डिटेल दे रखी है। बहुत ही प्यारा वर्क दे रखा है, बहुत फिनिशिंग से दे रखा है। दुपट्टा जो है पूरा गोटा पट्टी डिटेल के अंदर जो है आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा, लाइट पिंक शेड के अंदर इस तरीके का इसका दुपट्टा है। ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हैवी है, बहुत हैवी। अगर ये हैवी है ना तो अगर आप इसको बहुत चौड़ा होता ना तो ये आपसे संभलता ही नहीं। इस तरीके का ये दुपट्टा है आपका, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अंदर। पूरे दुपट्टे के ऊपर भी जो है इस तरीके से आपको गोटा पट्टी की डिटेल दी गई है। नाइस फैब्रिक, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है। अगला कुर्ता सेट जो मैंने लिया ना वो मैंने ये ग्रीन कलर के अंदर लिया है, सिल्क फैब्रिक के अंदर। जो कॉटन सिल्क होती है ना, प्रॉपर अच्छे वाली सिल्क फैब्रिक, वो वाला फैब्रिक है ये। इसके अंदर इसका डिज़ाइन देखते हैं किस तरीके का है। इसके ना नेक पे इस तरीके से आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है गोल्डन कलर के धागे के साथ। 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दी गई है। आगे से ये ऐसा है, इसके अंदर ना अस्तर नहीं दिया हुआ, बिना अस्तर के है ये। और पीछे से इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका, सी थ्रू मटेरियल नहीं है। और इस तरीके का ग्रीन कलर को तो आप
फेस्टिवल्स में तो अच्छे लगते हैं ना ऐसे डार्क डार्क कलर्स पहने हुए। तो इस तरीके का ये कुर्ता है। इसका जो दुपट्टा है नेट का दुपट्टा है, बूटियां दे रखी हैं छोटी छोटी और नेट के ऊपर और साइडों पे ऐसे कटवर्क वाली डिटेल दे रखी है और आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है गोल्डन कलर के धागे के साथ। नाइस दुपट्टा, बहुत लाइट वेट दुपट्टा है। बॉटम जो है ना इसका सिंपल बॉटम है, हाफ इलास्टिकेटेड वेस्ट वाला, और इस तरीके से इसका जो है बॉटम है। स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं सिल्क फैब्रिक के अंदर, जिस फैब्रिक के अंदर कुर्ता है उसी फैब्रिक के अंदर इसका बॉटम भी है, दुपट्टा इसका नेट का है, गुड क्वालिटी मटेरियल के अंदर है, पहना हुआ फेस्टिवल्स में बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कुर्ता सेट अगेन मैंने डार्क पिंक शेड के अंदर लिया है, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है ना, ऐसे ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं पहने हुए, और उस टाइम पे तो वैसे भी आपको ऐसे कलर्स रेड मरून पिंक चाहिए ही होते हैं। तो इस तरीके का ये ना सिंपल डिसेंट सा कुर्ता सेट है, स्क्वायर नेक के अंदर है, पफ्ड स्लीव्स वाला कुर्ता सेट है, पफ्ड स्लीव्स है। यहाँ पे आपको जो है पोलका डॉट्स की डिटेल दे रखी है, स्लीव्स पे नीचे एम्ब्रॉयडरी दे रखी है धागे की और गोल्डन कलर के अंदर। आगे से ऐसा है, आगे ना जो इसके बटन्स की डिटेल दे रखी है, बटन के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बाकी सिंपल है। पीछे से बिल्कुल प्लेन है, आगे से बिल्कुल प्लेन है। सिल्क फैब्रिक, सिल्क ब्लेंड मटेरियल वाला मटेरियल होता है ना जो कपड़ा, वो वाला इसका मटेरियल है। इसकी लेंथ जो है ना मेरे को काफ लेंथ आ रही थी, अच्छी लेंथ है। बेस्ट पार्ट इज इसकी स्लीव्स, डिफरेंट सी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से पोलका डॉट्स और एम्ब्रॉयडरी दे गई है। इसका जो बॉटम आया है पोलका, फुल पोलका डॉट्स वाली बॉटम है इसकी, हाफ इलास्टिकेटेड वेस्ट वाली बॉटम है, और आगे आपको बांधने के लिए दे रखी है, पॉकेट्स दे रखी हैं इसमें। फेस्टिवल्स में अंदर आप बैग वैग कैरी नहीं करते तो आप अपनी पॉकेट में अपना फ़ोन पैसे रख सकते हैं। बॉटम पे इस तरीके से जो है धागे की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, इसके भी सेम जैसी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है वही आपको बॉटम पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। दुपट्टा जो है इसका शिफॉन का दुपट्टा है, अच्छी क्वालिटी के अंदर इसका दुपट्टा है, हाफ कोनों कोनों पे ऐसे पोलका डॉट्स दे रखे हैं, बीच में प्लेन है, और चारों तरफ जो है इसके दुपट्टे के इस तरीके से लटकन दे रखी है, डिज़ाइन दे रखा है। मतलब छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि कुर्ता सेट्स को जो है ना एक अच्छी लुक देता है। इसका कुर्ता का फैब्रिक, दुपट्टे का फैब्रिक तीनों बहुत प्यारे हैं। आपको कलर फ्यूशिया पिंक है, फेस्टिवल्स के अंदर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ऐसे ऐसे कलर्स, मतलब मेरे कारण है ऐसे ही कलर्स, लेवेंडर कलर, ग्रीन कलर, मस्टर्ड कलर, रेड कलर, मरून कलर, ऐसे कलर्स चूज़ करें हैं जो कि ना आप फेस्टिवल्स के अंदर पहन सकते हैं, प्यारे लगते हैं पहने हुए, और फेस्टिवल्स में तो वैसे भी इस तरीके के कलर्स ही चलते हैं, और लाइट कलर्स को पहने हुए वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो सारे डार्क डार्क कलर्स जो है मैंने ऑर्डर करे हैं। नेक्स्ट कुर्ता सेट देखते हैं आप कौन सा है। अगला कुर्ता सेट जो है ना वो मैंने मस्टर्ड शेड के अंदर ऑर्डर किया है, अनारकली स्टाइल के अंदर, अगेन ए लाइन के अंदर है ये। आगे से इस तरीके से इसके पैच वर्क दे रखा है और एम्ब्रॉयडरी दी गई है इसके ऊपर गोल्डन कलर की, और मिरर वर्क दे रखा है। 3-4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। ए लाइन के अंदर आपका पूरा सूट है ये, ए लाइन के अंदर है, कलियों वाला है, और हर कली के ऊपर जो है ना ऐसे गोटे की डिटेल दे रखी है। घेरे के ऊपर जो है इसके इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दी गई है, पूरे के ऊपर आगे भी और बैक साइड पे भी एम्ब्रॉयडरी दी गई है पूरा। ये इसका फैब्रिक जो भी है ना, ये आपका सिल्क मटेरियल है, सॉफ्ट सिल्क जो होती है ना वो वाला मटेरियल है। कलीदार सूट है, ए लाइन के अंदर प्यारा है, मैंने इसमें मुझे बहुत डिसेंट सा लगा, बहुत सिंपल एलिगेंट सी इसकी लुक लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि चुभने वाली एम्ब्रॉयडरी है, चीप सी एम्ब्रॉयडरी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी कुर्ता सेट नहीं है जिसमें चीप या गंदी सी एम्ब्रॉयडरी हो। एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग भी ना इतनी अच्छी फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी अच्छे स्टाइल के अंदर है। कलर बहुत यूनिक सा, डिफरेंट सा कलर है। इसका जो बॉटम है ना इस तरीके के स्ट्रेट फिट प्लाजो से, और प्लाजो के ऊपर ऐसे गोल्डन फॉइल प्रिंट दे रखी है पूरे के ऊपर, और नीचे ऐसे गोटा पट्टी की डिटेल, लेस की डिटेल दे रखी है। बांधने के लिए आपको स्ट्रिंग दे रखा है, पीछे से इलास्टिकेटेड है। अगेन जो कुर्ते का फैब्रिक है वही बॉटम है, बॉटम का है। दुपट्टा जो है इसका जॉर्जेट फैब्रिक के अंदर आया है, और बीच में से पूरा दुपट्टा प्लेन है, अच्छी खासी लेंथ है, चौड़ा दुपट्टा है, और दुपट्टे के चारों तरफ जो है आपको इस तरीके की जो है लेस की डिटेल दी गई है, चारों तरफ इस तरीके से लेस की डिटेल दी गई है अगेन। और दुपट्टे के अंदर ना ऐसा नहीं है डल है, आप देख लो इसमें ना दुपट्टे के अंदर इसके शाइन भी है, ऐसे डल लुक वाला दुपट्टा नहीं है, शाइन वाला दुपट्टा है, अच्छी खासी शाइन है इसके अंदर। नेक्स्ट कुर्ता सेट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट कुर्ता सेट मैंने अगेन ग्रीन कलर के अंदर लिया है, जो कि डार्क ग्रीन शेड है।
देखते हैं किस तरीके का है। इसके अंदर जो है ना गले पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की डिटेल दी गई है, गले के ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी है। इसकी स्लीव्स जो है ना ऐसे ए लाइन स्लीव्स के अंदर है, इस तरीके के ऊपर गले इसकी स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी दी गई है। ऐसी एम्ब्रॉयडरी है ये पूरी प्रॉपर, आगे से ऐसी स्लीव्स हैं, पीछे मतलब पूरी स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी दी गई है। आपका आगे से कुर्ता सिंपल है, बाकी नेक पे एम्ब्रॉयडरी है इसके इस तरीके से, और इसके जो है स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है। ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके का लग रहा है। कपड़ा जो है इसका सिल्क फैब्रिक है, मैंने सारे ही जो है ना ऑलमोस्ट सिल्क फैब्रिक के अंदर ही सारे कुर्ता सेट्स ऑर्डर करे हैं, क्योंकि गर्मियों फेस्टिवल सीजन में ना यही कपड़ा चलता है। बाकी मुझे फैब्रिक जैसे सिल्की फैब्रिक ना वो मेरे को पसंद नहीं है, मुझे अच्छे ही नहीं लगते पहने हुए। बॉटम जो है फुली इलास्टिकेटेड बॉटम है, इस तरीके से स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं, और पैंट्स के ऐसे घेरे पर भी जो है ना इस तरीके की पूरी एम्ब्रॉयडरी दी गई है आपको। सेम जो आपके कुर्ते पे एम्ब्रॉयडरी है सेम वही एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर भी दी गई है। जो कुर्ते का फैब्रिक है वही बॉटम का है। दुपट्टा इसका शिफॉन के अंदर है पूरा दुपट्टा, और दुपट्टे के चारों तरफ जो है ना आपको इस तरीके से किरण लेस दे गई है, जो कि बहुत ट्रेंड में आजकल, तो मतलब लहंगाज हो गए, सूट्स हो गए, साड़ीज हो गई, सब पे आपको इस तरीके की जो ना लेस आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ट्रेंड में ही इतनी ज़्यादा चल रही है, अच्छी लगेगी पहनी हुई। अगले दो कुर्ता सेट्स देखते हैं कौन कौन से मैंने ऑर्डर किए हैं। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो मैंने लेवेंडर शेड में लिया है। इसमें इसका ना ट्राई ऑन मैंने शूट नहीं किया, एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने इसका स्मॉल साइज़ ऑर्डर करा था लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ इसका डिलीवर हो गया गलती से, बट ट्राई ऑन नहीं दे पाऊँगी मैं, मतलब आपको दे सब बता सकती हूँ कि मैं किस तरीके का है ये। इसमें भी जो है ना गोटा पट्टी की डिटेल दी गई है, पूरे गले पे इस तरीके से इसके वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, गोटा पट्टी की डिटेल दी गई है, मतलब डिटेल्स अच्छी हैं। राउंड इसका नेक है, 3-4 स्लीव्स है, स्लीव पे भी ऐसे गोटा पट्टी की डिटेल है, सिल्वर लेवेंडर के ऊपर सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। पूरा कलियों वाला आपका ए लाइन का सूट है, इस तरीके से घेरा काफ़ी अच्छा है इसका। फैब्रिक अगेन सिल्क फैब्रिक है इसका भी, बहुत सॉफ्ट सिल्क वाला मटीरियल होता है ना वो वाला मटीरियल है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो है ना मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी किस तरीके का वेबसाइट पे है और एक्चुअल में किस तरीके का आया है। लेवेंडर शेड में है, बहुत ही सॉफ्ट एंड एलिगेंट सा मटीरियल है इसका। दुपट्टा और बॉटम जो है ना इसके वो भी सिंपल और अच्छे हैं। दुपट्टा इसका पहले बॉटम देखते हैं, हाफ इलास्टिकेटेड वेस्ट वाला बॉटम है ये, और बॉटम के जो इस तरीके से स्ट्रेट फिट पैंट्स हैं, और पैंट्स के नीचे भी ऐसे गोटा पट्टी की डिटेल दी गई है। दुपट्टा जो है इसका ऑर्गेन्जा मटीरियल के अंदर है, पूरा गोटा पट्टी की डिटेल वाला है, इस तरीके से फ्लोरल फूलों का डिज़ाइन इस पर बना हुआ है, और इस तरीके का इसका दुपट्टा है, चारों तरफ जो है इसके गोटा पट्टी की डिटेल दी गई है, बूटियां बनी हुई हैं और गोटा पट्टी के ही फ्लावर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये है कुर्ता सेट में लेवेंडर में। और लास्ट कुर्ता सेट जो मैंने लिया है ना अगेन वो मैंने ये बहुत ही प्यारे पैरट ग्रीन कलर के अंदर लिया है, पैरट ग्रीन भी नहीं है थोड़ा लाइट शेड है। दुपट्टा देखते हैं पहले, ऑर्गेन्जा मटीरियल के अंदर दुपट्टा है इसका, इस तरीके का कटवर्क की डिटेल और बूटी वर्क दे रखा है पूरे के ऊपर, हल्का सा फैब्रिक, हल्का सा दुपट्टा है, ज़्यादा हैवी दुपट्टा नहीं है। कुर्ता जो है ना इसका सॉफ्ट ब्लेंडेड सिल्क या ब्लेंडेड वाला मटीरियल है इसका, मेरे को मटीरियल समझ नहीं आ रहा कैसा है ना फैब्रिक का, लेकिन सॉफ्ट है, हार्श ऑन स्किन नहीं है। इस तरीके से ना पूरे गले पे और आगे जो है इसके एम्ब्रॉयडरी की डिटेल दी गई है, ठीक है 3-4 स्लीव्स हैं, स्लीव पे ऐसे लेस की डिटेल दी गई है। बहुत डिसेंट सा कुर्ता सेट है, आगे से ऐसा है ये, पीछे से इस तरीके से है, और इसका जो बॉटम है हाफ इलास्टिकेटेड वेस्ट वाला बॉटम है, बॉटम के ऊपर भी जो है ना नीचे ऐसे घेर पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी की डिटेल दी गई, लेस दी गई है, पॉकेट्स दी गई हैं। फैब्रिक जो कुर्ते का फैब्रिक है वही सेम फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा के इतना दुपट्टा है, और अच्छा मटेरियल है, मतलब डिसेंट मटेरियल है अगर मैं इसको प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं तो। तो यस, ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।